हाय गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक एक न्यू वीडियो में। गाइस देखो, वीडियोस थोड़ी लेट आ रही है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियोस नहीं बन पा रही है, मैं थोड़ा सा गाइस काम में बिजी हूँ, ठीक है। तो लगा लेना हिसाब जो भी है। गाइस देखो, मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह भी करना स्टार्ट करने वाला हूँ, तो टेंशन मत लो यार। थोड़ा सा मेरे छाले भी हो रहे हैं बहुत जोर में। आपको तुतलापन दिखने वाला है, ठीक है। तुतलापन बोलते हैं जो भाई मेरे हमेशा छाले रहते हैं। भाई कोई इलाज बताओ, जुगाड़ बताओ बढ़िया सा जो ना हो। भाई मेरे हर 10-15 दिन में हो जाते हैं। आई डोंट नो, मैं मरने वाला हूँ ये कुछ भी होने वाला है, पता नहीं क्या है। ऑल तो गाइस मैंने सारा सामान यहाँ पे रख दिया, जितना भी है फालतू मेरा। फालतू तो नहीं बोल सकते भाई, सारा काम का सामान है। लेकिन हाँ, जो अभी यूज़फुल है, अभी तो अनयूज़फुल है भाई, ठीक है। यूज़फुल तो बाद में होगा ना, अभी तो कोई यूज़फुल अभी तो अरे ठीक है यार, मुझे नहीं आती इंग्लिश। बेकार सामान है अभी के लिए, बेकार है, बाद में काम आएगा। गाइस देखो, मैंने प्लेटफॉर्म ऐसे बना दिया, यहाँ से रास्ता कुछ आएगा हमारा फार्म वगैरह का, और यहाँ पे कुछ शायद हटाइए। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मैं हटाऊंगा यहाँ से, रिप्लेस करूंगा इसको, कहीं और पे लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कि आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा गधा मजदूरी करना, तो गधा मजदूरी देख लिया करो यार, गधा मजदूरी भी जरूरी है। और मैं हाँ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे लाइव स्ट्रीम वगैरह मैं करने वाला हूँ जल्दी। गाइस थोड़े टाइम और रुक जाओ, एक या दो दिन रुक जाओ, कंटिन्यू लाइव स्ट्रीम वगैरह होगी, सर्वर वगैरह चलाएंगे बढ़िया से। जो जो भाई खेलना आएंगे उनको भी खिलाएंगे भाई, मत बोलो भाई, ठीक है। इसको पहले लाओ भाई ये। अच्छा भाई पागल है भाई, जब देखो जब निकल जाता, बिना बताए निकलता। अच्छा भाई बताकर तो निकला कर भाई, कम से कम पागल बेवकूफ बेवकूफ साले भाड़ू कचरे के डब्बे भाई, खतरनाक है भाई बंदा, कसम से माँ कसम। ये आता है जो हार्ट अटैक आता है क्योंकि साला ये सब कुछ हटा के चल जाता है। वापस फायदा करता है, मजदूरी करते हैं थोड़ी बहुत, फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है। और भाई ये लैपिस देख रहे हो, लैपिस वगैरह मिल रहा है बढ़िया एकदम, कते घंटाप वगैरह लैपिस वगैरह। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये चीज़ देखो भाई, ये चेक करो जरा तुम, ये भी सही चीज़ है भाई जो मिला है वैसे तो। ये बिल्ला मिला है, एक और बिल्ला मिला, नाइस। और ये बढ़िया सी चीज़ मिल गई, ये कुछ काम की लग रही है। देखो मैं लगातार माइनिंग कर रहा हूँ और मैं स्किप कर रहा हूँ, बस वॉइस ओवर चलती हुई दिख रही है, मतलब काफ़ी सारी स्किप चीज़ें कर दी मैंने, समझ रहे हो। तो गाइस फटाफट से सिंपल से खोलते हैं। ओ भाई कितनी तगड़ी चीज़ मिली है ना भाई, ये बहुत तगड़ी चीज़ है, ये कसम से बहुत तगड़ी चीज़ है। ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना मेरे को, क्योंकि मुझे पता है भाई मिलती करती रहती है, और मैं गाइस इससे एक बढ़िया चीज़ बना सकता हूँ, मतलब एक्सपी निकल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सपी फार्म वगैरह बना सकता हूँ, काफ़ी सही चीज़ है, और हड्डे वगैरह मुझे इजीली मिल जाएगी, और आर्मर वगैरह भी, और सबसे बढ़िया बात है बोन मिल का जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। तो बोन मिल काफ़ी जरूरी है भाई, काफ़ी सारे फार्म्स वगैरह में काम आएगी, और ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है। मैं इसको बाद में ऑटोमेटिक भी कर सकता हूँ कि ऑटोमेटिक आए और सीधा मरेंगे भाई। मैं आज ज़्यादा टाइम इसी प्लेटफॉर्म पर रहने वाला हूँ, तो इसको यहीं पर बनाऊँगा, ज़्यादा दूर नहीं बनाऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे को यहाँ पे रख देता हूँ। मेरे पास हड्डी आए, तो मेरे पास एक डॉग भी है, तो फटाफट से टेम करते हैं, सबसे पहले टेम करते हैं भाई, मेरे को यही चाहिए था बस। अबे हट जा, क्या यार एक्सपेक्ट्स आ रहे हैं ऊपर। ओके फटाफट इसको करते हैं टेम, आजा। ओ बहुत बढ़िया, प्यार से टेम हो जा बस, प्यार से। अब गाइस बदला लिया जाए जा रहा है इस भालू से, इसने मेरे को इसके भाई ने मारा था ना, मैं इसको मरवाऊंगा। चल बेटा कर दे अपना काम, खोद दे इसको, खोद सा रहे हो, खोद मार उनको, मार चप्पल फेंक के मार, बहुत बढ़िया। आजा बाहर आजा, फटाफट बाहर आ जा, इसको टेलीपोर्ट हो सकता है ना, ईजी, खोलना नहीं पड़ेगा गेट, वरना गेट खोलना। ओके भाई बढ़िया चीज़, ये बढ़िया चीज़ लगी, ठीक है गाइस। ऑल तो गाइस कुछ भी नहीं है ज़्यादा तो इधर, बस मेरे को एक फार्म बनाना है, बहुत तगड़ी चीज़ फार्म बनाना है। लेकिन फार्म के लिए भी कुछ जुगाड़ चाहिए ना, दो चार चीज़ें चाहिए मेरे को। मेरे को सबसे पहले इसको पकाने दो भाई, क्योंकि मेरे को ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। मुझे काफ़ी सारे कॉबलस्टोन चाहिए, कॉबलस्टोन गाइस इनसे ही मिलने वाले हैं, कॉबलस्टोन मुझे माइन करने पड़ेंगे, तो हाँ मुझे चाहिए भाई काफ़ी सारी। तो दो बना लेते हैं स्टीम, मतलब बोलते जो भी पिकेक्स वगैरह, दो पिकेक्स बना लेते हैं, काफ़ी होगा, इनफ होगा दो पिकेक्स। और फटाफट से गाइस मजदूरी पे लग जाते हैं, मजदूरी ये होने वाली है कि बस हमको कोबलस्टोन माइन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, हाल फिलहाल के लिए भाई यही काम है। तो फटाफट से कोबलस्टोन माइनिंग करने बैठ जाते हैं, और भाई कोबलस्टोन माइनिंग करने के बाद मिलता हूँ, और भाई काफ़ी कुछ भी करने वाला लग रहा है मेरे को। ऑलराइट गाइस काफ़ी सही, मतलब काफ़ी हद तक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कर दी है, ठीक है, काफ़ी सारा माइनिंग वगैरह भी कर लिया जितना बेटा। और मेरे पास भाई ये लास्ट पिकिंग्स बच रही है जो देख रहे हो भाई, मैंने इसको थोड़ा सा इसलिए बचा के रखा है क्योंकि आई डोंट नो जहाँ पे कुछ भी आ सकता है। और मैंने अभी प्लान चेंज कर दिया भाई, प्लान ये है कि जब तक वाटर नहीं आएगा जब तक तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो फार्म बनने वाला है वो वाटर से बनेगा, हाँ ठीक है। मैंने पानी ज़रूर मांगा था पर बारिश नहीं मांगी थी, ये गलत चीज़ है, ये बहुत गलत चीज़ है भाई, ये सुन रहा है क्या मेरी बात माइनक्राफ्ट? हेलो माइनक्राफ्ट, ज़रा बारिश रोकना ब्रो, ब्रो टॉक टू मी। ओके ब्रो, नहीं गाइस देखो मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है भाई आयरन पिकेक्स, सही नहीं, मैंने अभी अभी बिगाड़ दिया आयरन पिकेक्स, और मेरे पास सिर्फ दो ही, ओके
दो या चार आई डोंट नो जितने भी थे मिल गए, मैं इससे खोज सकता हूँ। बट नहीं यार, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो भाई एक एक गोल्ड का नुकसान होगा और एक गोल्ड का नुकसान मैं झेल नहीं पाऊंगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके अब फटाफट इसको कर लेते हैं माइनर, फटाफट से बारह ज़्यादा मजबूरी करते हैं। ओके भाई ठीक है, भाई ठीक है ठीक है ब्रो ठीक है, मैं बातें नहीं करने का तुमसे, तुम हो कौन, हम तुम जानते ही नहीं, तो आते क्यों ये बताओ। ए इधर आओ, तुम्हारी जय हो। सोना फट रहा है फट्टू ये भाई, ये डरता भी तो नहीं है ना किसी चीज़। और एक कैट से डरता, बहुत बढ़िया। अब के बार कैट रखूँगा साथ में, कैट के लिए भी भाई फिश। ओके भाई फेस चेंज हो गया, नाइस वेरी नाइस भाई फेस चेंज हो गया, ये बड़ी तगड़ी चीज़ है। फटाफट से गाइस सारा सामान रख देते हैं, अब देखते हैं कौन सा फेस आता है। मेरे हिसाब से गाइस वाटर का है, मैं खेल चुका हूँ, मतलब खेल चुका हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैंने काफ़ी कुछ करा, बस मैंने क्या करा, मैंने सीधा इसको क्रिएटिव में क्रिएट करा और इसको तोड़ता गया लगातार, और भाई मुझे उससे पता लगा कि क्या क्या आता है, समझ रहे हो, काफ़ी कुछ आता है यार, ठीक ठीक ठाक चीज़ आ जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता जो भी है, पर हाँ हो गए जो भी है। हाँ भाई गंदी चीज़ भाई, बहुत गलत चीज़ आई है, बहुत गलत चीज़ आई है, मुझे नहीं चाहिए ब्रो, मुझे मत मा। अबे ये मरा क्यों नहीं, ये मरा कैसे नहीं बे। हद, एक तो भाई वो पोशन दे रहा है जिससे मैं तोड़ नहीं सकता कुछ भी यार, हद होती है यार। ठीक है भाई ठीक है, ओके ब्रो, मैं मर के तो भाई पोशन हटा सकता हूँ ना, बट मैं मर के पोशन हटा सकता हूँ, कोई ना कर देंगे जुगाड़, रुक जाओ बस तुम। ओके 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 ब्रो, मैं देख लूँगा भाई, वाटर मिला मेरे को, वाटर मेरे को चाहिए था, और वाटर को मैं सेव करने वाला हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, वाटर के लिए मेरे को बकेट लेने दो। तो मेरा आधा सामान नीचे चला गया 100% बता रहा हूँ मैं, आधा तो मतलब थोड़ा बहुत तो चला ही गया। यहाँ पे गाइस फटाफट एक इन्फिनिटी वाटर सोर्स बनाते हैं फटाफट से, और भी मस्त चीज़ है भाई ये चीज़, तो बनाते हैं फटाफट से एक बढ़िया सा इन्फिनिटी वाटर सोर्स, देखो जरा तुम भी कैसे बनता है। ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पे फटाफट से एक वाटर इन्फिनिटी वाटर सोर्स बनाते हैं। ये भाई कड़ी ये एक तो बार बार मेरा खेत बाड़ी चट रहा है ना, इसको बताऊँगा बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, फटाफट से यहाँ पे शुरू कर दें। नहीं गाइस सबसे पहले मैं मुझे एक नीचे की तरफ एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, नीचे ब्लॉक लगा के आने पड़ेंगे, मतलब प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा इसलिए क्योंकि वो फार्म गाइस एक तो देखो ऊपर बनेगा और नीचे की तरफ सारा सामान जाएगा, और मैं नीचे भी एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ क्योंकि जहाँ पे गाइस मैं एक स्टोरेज रूम या काफ़ी कुछ बना सकता हूँ उधर, ठीक है काफ़ी कुछ नीचे की तरफ बना सकता हूँ, तो वो चीज़ मैं करने वाला हूँ। तो ऑल दो कुछ नहीं करने वाला, बस 5 ब्लॉक नीचे हाइट पे जाऊँगा, और बस यहाँ पे मेरे को ब्लॉक लगाना है, जस्ट लग जाए, ब्लॉक लग जाए, बस प्यार से लग जाए, ज़्यादा बोले हिला चुली नहीं, मुझे ज़्यादा हिला डुली डुली नहीं चाहिए ब्रो, नहीं चाहिए ना, बस बस लग गया, बहुत बढ़िया, मत मर मत मर, आ जाओ ऊपर आ जा। ओके अब बस मेरे को कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसको बढ़ाना है, नीचे जाके बढ़ाना पड़ेगा। ओ भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नीचे जाना पड़ेगा, लग तो रहा है भाई मेरे को लेटर वगैरह बना लेनी चाहिए थी नीचे आने से पहले, बट कोई ना कूद गया तो मैं, हाँ मैंने पहले बोल दिया था, फटाफट से बनाते प्लेटफॉर्म छोटा सा। और गाइस मैंने सोचा है कि ये कोबल स्टोन से अच्छा ना एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, पर अच्छा बनाते हैं क्योंकि ये रिप्लेस नहीं करना है इसको मेरे को, बाद में ना रिप्लेस वगैरह की सिस्टम झंझट नहीं रखनी, क्योंकि भाई देखो बार बार वो डिजाइनिंग के चक्कर में ना बहुत गड़बड़ होती है, तो मैं एक बार एक चीज़ करना चाहता हूँ, मैं ना जो ये स्टोन जो मैंने कलेक्ट करे ना इनके लिए, तो एक सेकंड रुक, इससे ही मैं बना लेता हूँ, मैं इससे ही कुछ बना हुआ तगड़ी चीज़, समझ रहे हो, इनको पकाते हैं थोड़ा बहुत, कोल वगैरह चाहिए तो कोल की ज़रूरत नहीं है वैसे, इतना मेरे पास वुड है, वुड को हम ईंधन के रूप में उपयोग कर लेंगे भाई, कोल के रूप में मैं कर सकता हूँ उपयोग, ठीक है तो फटाफट से मैं इसको करता हूँ, फिर मिलता हूँ ठीक है। ऑल डेट गाइस मैं यहाँ पे फटाफट से स्लैब बना लेता हूँ, भाई कितना तेज चलता है भाई, ऐसे चलना चाहिए ना भाई क्राफ्टिंग टेबल भी, अगर मैं कुछ चीज़ बना रहा हूँ तो इतने फास्ट देना चाहिए उसको, बट नहीं। ओके इसको फटाफट से करते हैं रिप्लेस, ओके मैं तो उतर आ गया, ओके यहाँ पे करते हैं फटाफट से उसको रिप्लेस, और रिप्लेस अच्छे से करेंगे ठीक है, तो करते हैं फटाफट से, और इसको रिप्लेस करने का जुगाड़ कुछ नहीं है, बस ऊपर की तरफ स्लैब लगाने, स्लैब इसलिए लगा दें क्योंकि स्लैब के ऊपर ज़ॉम्बीज़ स्पॉन नहीं होते। ओके ऑलराइट गाइस मैंने वहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह बना दिया, बस अब मेरे को एक छोटा मोटा काम करना है जो आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए काफ़ी सारा वुड, और वुड से मैं बनाने वाला हूँ उस चैम्बर को, क्योंकि मेरे पास अब इतना स्टोन नहीं है, और मेरे पास कोई पिकेक्स वगैरह भी नहीं, और मैं इतनी मेहनत नहीं करने वाला उधर जाके, जो मेरे पास वुड है जितना भी है भाई मैं सारा लगा दूँगा, क्योंकि मेरे पास वुड का तो कोई कमी नहीं होने वाला ठीक है। ओके वुड वगैरह है यहाँ पे, वाई है आयरन, यार मैं आयरन ढूंढ रहा था, ओपर वगैरह बनाने हो जाएगा इनफ है भाई, इतना तो आयरन है मेरे पास, 7-8 आयरन बढ़ाए इतना तो ऊपर वगैरह बन जाएगा इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इधर मेरे को ये लगाना है
ओके थोड़ा बहुत बड़ा बनाना है इसको, 5x5 का बनाना है जिससे कि थोड़ा स्पेस मिल सके जॉम्बी स्पॉन होने को। एक दो तीन, एक सेकंड, गलत लिया। एक तीन चार पाँच छः, ठीक है ओके, छठे पे ब्लॉक लगेगा ओके ठीक है, डन डन डन। यहाँ पे दो लगाते हैं भाई क्योंकि पीछे की तरफ से निकल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ओके, 6 पे ब्लॉक लगेगा बट अभी नहीं लगाना, बट अभी मेरे को याद है कि जाना है फिर लगाना है। ओके अब लगा देते हैं और जस्ट यहाँ से इसको कनेक्ट करना है। ओके गाइस जितना होने के बाद जिसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कनेक्ट करना है और इसको थोड़ा एक लुक दे देनी है बढ़िया से। तो गाइस मैं फटाफट इसको लुक देता हूँ, तब तक आप देखो मतलब कैसे बनता है। तो टाइम इज टाइम लेफ्ट मेरे को भाई, ज़्यादा अच्छा टाइम लेफ्ट नहीं देखो बस। ऑलराइट गाइस थोड़ा बहुत मैंने बना दिया है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बस इसमें दो नीचे नीचे का जितना एरिया था वो मैंने बना दिया। बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे, हॉपर वगैरह लगाना है, जस्ट मेरे को इसको कंप्लीट करना है। वैसे तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे हॉपर लगा सकते हैं बीच में, बस मेरे को बीच में एक हॉपर टेकना है और बाद में हमारा पूरा का पूरा काम हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन उससे पहले मेरे को एक चीज़ ले लेना है जरा इधर से, ओके इधर से थोड़े से स्लैब बनाने। तो स्लैब क्योंकि इसलिए बनाने क्योंकि पानी बाहर आएगा अगर मैं नीचे की तरफ स्लैब वगैरह नहीं लगाऊंगा तो, ठीक है। तो उस चक्कर में मुझे लगाना पड़ रहा है और काफ़ी सही चीज़ है भाई स्लैब स्लैब। हाँ ठीक है भाई, मैं तो तला क्यों जाता हूँ बार बार यार एक तो। ओके डन, यहाँ से हटाते हैं बस इसको, मेरे को यहाँ पे हॉपर लगाना है। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे हॉपर लगाना है, हॉपर लेते हैं और हॉपर को इधर प्लेस करना है। ओके डन, इधर प्रेस कर, लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, ये गलत हो गया मुझे लग रहा है यार, क्योंकि उधर से वाटर आएगा तो बीच में नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए, ये स्लैब की जगह हॉपर आना चाहिए और हॉपर की जगह स्लैब आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके यहाँ पे स्लैब लगाते हैं, जस्ट इधर हॉपर लगाते हैं। ओके यहाँ पे निकाल करके इसको यहाँ पे लगाते हैं। ओके डन गाइस, हो गया काम हमारे। यहाँ पे गाइस जितने भी हमारे स्केलेटन होंगे वो इधर आके अटक जाएंगे और हमको इजीली हम उनको किल कर सकते हैं। बस गाइस ऊपर का ये बनाना है, अगर इसको भी फटाफट से बना देते हैं या इसको कुछ नहीं करना, चारों तरफ से कवर करना है। तो मैं फटाफट से इसको कवर वगैरह कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ लुक कैसा लग रहा है, ठीक है। और लेट गाइस मैंने उसको बना दिया और बस मेरे को उसमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे हमको रखना है चैम्बर वगैरह। तो गाइस चैम्बर कैसे रखूँगा वो भी आप मस्त तरीके से देख लीजिए, ये मैं काम नहीं करने वाला। यहाँ पे पहले तो जितने भी अंदर से ब्लॉक वगैरह ना गाइस सारे के सारे आपको मेरे को मतलब आपको नहीं मेरे को हटा देने हैं जितने भी ब्लॉक हैं। ऑलराइट मेरे को यहाँ पे रखना है। ओके मैंने रखने के बाद बस मेरे को यहाँ से दिक्कत है कि ये काम करना चाहिए बट अब। ओके पहले इसको भर देता हूँ, रुक जाओ, दिक्कत नहीं चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता क्योंकि ये मारेंगे ना भाई बहुत गंदा। ये इन्होंने मारना शुरू करा तो भाई रुकते नहीं है, कसम से नहीं रुकते, मजाक से हट के पट्टी पट मारते पट्टी पट। ओके 1 2 3 1 2 3 ओके यहाँ पे लग गए, अब यहाँ पे लगाएंगे जरा इनके बंडो। ओके बस मेरे को यहाँ पे डालना है इसको। ओके हो गया, यहाँ पे पूरा अंधेरा करना है, अंधेरा जस्ट इधर से हो गया, इधर से हो गया, अंदर टॉर्च और मत लगाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके अब हमारे स्केलेटन वगैरह, और देखो गाइस यहाँ पे स्केलेटन वगैरह आना भी शुरू हो गए चुके हैं। बस ज़्यादा तेज काम नहीं करने वाला, अब देखो शुरू का टाइम है, अभी वो मतलब अंडा वगैरह हमने रखा है तो वो अभी काम नहीं करेगा भाई। देखो आप जो भी मतलब फार्म्स वगैरह देखते हो, जब मैं बनाता हूँ ना फार्म्स, आप बोलोगे भाई आपको इतना अच्छा वर्क कैसे करता हो, तो भाई मैं एक बात बताता हूँ, मैं सर्वाइवल वीडियो और क्रिएटिव वीडियो मतलब दोनों की बात बताता हूँ। जब भी आप कोई फार्म बनाते हो और उसको मतलब बनाने के साथ ही वो काम नहीं करना मतलब नहीं करता, वो एक 10 से 15 मिनट लेता है वो फार्म मतलब प्रॉपर काम करने में। देखो अभी काम कर रहा है, अभी मैं ऊपर आया जस्ट एक छोड़ा, मतलब धीरे धीरे काम कर रहा है अभी। देखो अभी देखना, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, थोड़ा सा कराऊँ, अभी एक एक करके आ रहे ना आपके सामने, अभी देखना यहाँ पे गिनती नहीं होगी भाई, तुम ना मारते मारते थक जाओगे बट यहाँ आना नहीं रुकेंगे भाई, ऐसा सीन है। देखो नहीं आ रहे बिल्कुल भी, अब मैं ऊपर देखो आया शायद, कोई तो आया मुझे लग रहा है, गिरा कोई ना कोई तो। मतलब टाइम लगता है थोड़ा सा मतलब फार्म वगैरह काम करने में, और इस पर भी टाइम लगेगा, और मेरे को टाइम लगेगा तो भाई ये तो गड़बड़ है। देखो आया कोई, लोग कोई तो आया शायद मेरे साथ, और देखो ये आ गए, आना शुरू होने, अब देखो थोड़ा सही काम कर रहा है, मतलब ऊपर जाने से पहले आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही काम कर रहा है, हल्का फुल्का कर तो रहा है बट एक्सपी वगैरह का सही दे देगा हमको, मेरे को तो दे ही देगा, ठीक है। और देखो शायद और भी गिरा आया मुझे आवाज़ तो। ओके आया वो भाई, देखो आया ना, तीन तीन चार चार आए ना, काफ़ी सही काम कर रहा है भाई मेरा फोन भाई, ऐसे काम करना चाहिए, बहुत तगड़ा काम कर रहा है, बहुत सही चीज़ काम करती है। और बस मैं यहाँ पे एक्सपी वगैरह काफ़ी सारी हड्डी वगैरह मिल जाएगी जिनसे मैं बोन मिल वगैरह बना सकता हूँ, हड्डियों से मैं। और यहाँ पे देखो
वो वगैरह भी दे देंगे इंचेंटेड वगैरह, तो इजीली गाइस हमारा काम हो जाएगा। वैसे तो मुझे एक एक्सपी फार्म बनाना है जहाँ से गाइस मेरे को और भी मतलब मटेरियल वगैरह मिल जाएगा। तो वह देखो वन ब्लॉक में देखो तो जैसे कि देखा जाए तो वैसे एक्सपी फार्म की कोई ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर सारा सामान मिल जाता है, पटेटो वगैरह तो मिल जाता है ईजिली। ओके, और बस यहाँ पे आपको एक ब्लेजर की कमी होती है, तो ब्लेजर हम वो ईजिली ला सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम लगता है ब्लेजर में करने में। तो मैं वो चीज़ कर दूंगा, वो भी अभी टाइम लगेगा लेकिन कर देंगे ब्लेजर वगैरह जब सिस्टम। तो हमको एक एरिया बनाना पड़ेगा छोटा वगैरह, या थोड़ी देर हम इसको माइन करते हैं, वाटर वाला एरिया है तो गाइस थोड़ा बहुत इसको माइन वगैरह करते हैं। तो मिलते हैं आपसे, क्या क्या निकलता है देखते हैं इसमें, ठीक है। ऑलराइट गाइस, काफ़ी टाइम हो चुका है, इसको तोड़ते और एक गलत चीज़ निकल गई, और गलत चीज़ दे दी। ठीक है, मत मार। वैसे मारा तो नहीं, पोषण का इफेक्ट दे दिया, वो पता नहीं क्या जीप सा वो आता है, उसका आत्मा निकल के आती है ऐसा लग रहा है भाई, डर लगता है इससे मेरे को, ये सबसे खतरनाक मूव है, पता नहीं मैं ही डर रहा हूँ उससे। आजा बेटा शील्ड लगा रखे, मार दे अब तो मेरे को, मार जरा मार, अबे तेरी मार था शील्ड में, चूतिया मना था मुझे। देखो यार गया यार सामान, मुझे दिखा भाई जाता हुआ यार, कुछ तो गया नीचे फूड वगैरह। अरे यार नहीं, इससे फाइट नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे सामान मेरे पास वापस आ रहा है, उसके पास जाऊँगा अभी तो। रुक जाओ यार एक सेकंड, मुझे ना इसको कुछ जुगाड़ करके मारना, बो वगैरह नहीं है कि मेरे पास, तीर वगैरह, एक सेकंड है गई, तीर है, मार रहा है। अबे तेरी जय वो छेद में से मारेगा, तेरी काटूंगा, रुक जा बेटा तेरी नसें काटूंगा, तुझे अभी रुक जा, भी तेरा बनाता है इसकी नसें काटूंगा भाई, नसें वो भी उधर उधर की नसें काटूंगा, बाप नहीं बन पाएगा कभी, रुक जा, उसको बाप बनने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं, साला भाड़ू। अबे यार एक तो तीर में तीर नहीं है, क्या करूँगा, पाँच तीर है, पाँच तीर से कट्टू पड़ेगा ये, उसके चार हिट नहीं पड़े होंगे प्रॉपर मेरे को, एक और ये तो मरदा, तीन मरदा, नहीं मरा, कोई बात नहीं, चार मरेगा, नहीं मरा भाड़ू कहीं के मरदा, नहीं मर, अरे तेरी, अबे यार खत्म हो गया, क्या करूँ अब तो है भी नहीं, एक तो साले इंस्टाग्राम वाले मान नहीं रहे भाई, मुझे मत भेजो रील में, मुझे गुस्सा आ रहा, मैं मारूंगा ठोकूंगा, मत मर जा, अबे नहीं मार देगा, हट जा, ऊपर चढ़ जाऊँगा भाई, तो पूरा क्रीपर ने इसकी ऐसी तैसी कर रखी है घर की, क्या ही करूँ घर के भाई, ऐसा लग रहा है कोठड़ी भाई, मैं इसको तड़ा बनाने वाला हूँ, इसको है ना एकदम डरावनी चीज़ बनाएंगे, रुक जाओ मैंने सोच रखा जो चीज़, अबे मर गया, बहुत बढ़िया। वैसे देखो आधा सामान नीचे चला गया, नीचे तो मैं जाऊँगा नहीं, पर ठीक है जितना भी है, फटाफट से सो जाते हैं, दिन करते हैं फटाफट से, और क्या करें भाई, एक तो इसने दिमाग ख़राब कर दिया भाई, ये करेगा भाई अभी नहीं, चार से पाँच बार और आएगा, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है, समझ रहे हो, ऐसा सीन अभी तो शुरू हुआ, तो काफ़ी तंग करने वाला, और पोषण वगैरह भी पता नहीं कौन कौन से दे रहा है, इफेक्ट वगैरह मैं खोद भी नहीं सकता, इसलिए मैं 3 मिनट तक नहीं कर सकता भाई कुछ भी काम। तो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद जय भारत, जिसने हमसे सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लेना, जय श्री राम, सभी भाइयों को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, लाइक भी कर दो, लाइव आ जाएंगे हम जल्दी, ठीक है, बाय, टाटा।